अब तक आपको शायद ये इम्प्रेशन मिल रहा होगा कि हमने अपनी पहली वेबसाइट बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि हमने टाइटल भी डिफाइन कर लिया है और कुछ कंटेंट्स भी अपने वर्किंग एरिया में ऐड कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये जो अब तक अपने वर्किंग एरिया में जो चीज़ें ऐड की हैं या जो ओवरऑल जो हमने ऑप्शन समझी हैं, इनका ताल्लुक ज़्यादातर हमारे इस ओवरऑल वर्क फ्लो से था या इंटरफेस के साथ था। हमारे इंटरफेस के ऊपर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इनकी अहमियत को और इनके काम करने के तरीके को डिफ़ाइन करने के लिए ये ज़रूरी था कि हम कुछ कंटेंट्स ऐड करें। अब कुछ कॉन्सेप्ट आपने समझना है, इस वक्त आप अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखेंगे ताकि आपको जो चीज़ें अभी बताई जाएंगी इनको आप नोट कर लेंगे, फिर फर्दर हम आगे चलेंगे तो फिर समझना इंशाल्लाह आसान होगा। किसी भी साइट को बनाना शुरू करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब हम किसी चीज़ को मुश्किल समझते हैं तो ज़ाहिर है कि हम कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं और कुछ टेंशन भी ले लेते हैं उसको बनाने से मुतल्लिक। हमें लगता है कि जैसे ये बहुत मुश्किल चीज़ है जिसको हम आसानी के साथ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये जहन में रखें कि ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके यानी एक तरतीब के साथ कवर करते हैं, उसको मुकम्मल करने की तरफ जाते हैं, तो हमें निस्बतन कम मुश्किल पेश आती हैं। दूसरी सूरत में अगर हमने उस चीज़ को तरतीब के साथ ना समझा हो तो ज़ाहिर है कि उसको जब उस वक्त हम प्रैक्टिकल करते हैं, अमल में लाते हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें कंफ्यूज करती हैं और फिर हमें मुश्किल पेश आती हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़ाहिर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको समझाएं और एक सीक्वेंस में चलें ताकि बगैर किसी परेशानी के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। अभी हमने जहन में रखना है कि एक साइट को बनाना शुरू करते हुए जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वो बहुत बुनियादी लेवल से शुरू होता है, जिसमें हम साइट डिफ़ाइन करनी शुरू करते हैं और फिर उसमें कुछ पेजेस ऐड करते हैं और फर्दर आगे काम चलता जाता है। लेकिन मुमकिन है कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते साइट पे काम करने के बाद आपकी साइट का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाए कि आपको ओवरऑल वो चीज़ें मैनेज करने में मुश्किल हो। तो ज़ाहिर है कि एक रूटीन की बात है कि साइट जब बननी शुरू होती है तो वो बिल्कुल छोटी सी होती है, फिर आगे फर्दर पेजेस ऐड होते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन उसमें आती जाती है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब साइट बनानी शुरू करें तो शुरू से ही एक ऐसी तरतीब इख्तियार करें कि जिससे हमें आगे चल के अगरचे साइट का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाए, हमें किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने में या उसको एक्सेस करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश आए। तो ड्रीमवीवर हमें इस बात की ऑप्शन देता है कि आप एक तरतीब के साथ अपनी साइट को बनाना शुरू करें। अभी हम ये देखेंगे कि साइट को डिफ़ाइन करना शुरू करते हुए पहला स्टेप हमने क्या लेना होता है, ध्यान से चलेंगे। आगे चल के इसको दोबारा से हमने करना है, ये प्रोसीजर हमने ऑलरेडी कर लिया है, सिर्फ इसमें से हमने गो थ्रू होना है ताकि आप इसको देख पाएं। जब हम ये सोचते हैं कि हमने कोई साइट डिफाइन करनी है तो पहली बात ये होती है कि आप एक अलग से उसके लिए फोल्डर बना लें। मुमकिन है कि आप अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या आप दो तीन साइट्स पे एक वक्त में काम कर रहे हैं तो उन दो तीन साइट्स के नाम के लिहाज से उनके अलग अलग फोल्डर बना लें, ताकि उस साइट से मुतल्लिक जितने भी कॉन्टेंट्स हैं वो अलग अलग फोल्डर्स में हों। और अगर आपने उस साइट से मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ट्रांसफ़र करनी है तो आपको स्ट्रेट अवे सिर्फ उस फोल्डर को वहाँ से मूव करना हो या कॉपी करना हो। अगर ऐसा होगा कि अगर आपने एक जगह फोल्डर नहीं बनाया, आपके सारे कंटेंट्स जो हैं साइट के जो अज्जा हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे आपकी हार्ड डिस्क पे पड़े हुए हैं, जैसे इमेजेस हैं, साउंड्स हैं, एनिमेशंस हैं, टेक्स्ट है, तो अगरचे साइट फिर भी बन जाएगी, साइट फिर भी अपलोड हो जाएगी, लेकिन अगर आप दो चार साइट्स पे इकट्ठा काम कर रहे हैं तो आपको हर बार ये देखना पड़ेगा कि अच्छा पहली जो हमारी साइट थी उसके इमेजेस कहाँ पड़े हैं, दूसरी जो हमारी साइट थी उसके इमेजेस और उसके कंटेंट्स कहाँ पड़े हैं। तो ज़ाहिर है कि इससे कुछ वक्त गुजरने के बाद एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि जिसमें आपको अपने काम की तरफ तवज्जो देने के बजाय उन कॉन्टेंट्स को तलाश करने पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम शुरू से एक तरतीब के साथ काम शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं साइट का, आपको यहाँ मेन्यू नज़र आ रहा है, क्लिक किया, ड्रॉप डाउन में गए, मैनेज साइट्स के ऑप्शन है, आगे तीन डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि कोई डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा इस ऑप्शन को क्लिक करने से। क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ, मैनेज साइट्स। जो भी साइट आप बनाते हैं इस तरीके से आप बनानी शुरू करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज कर सकें। अभी हमने एक दफ़ा इस प्रोसीजर को मुकम्मल ऑलरेडी किया है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। इसमें हमने न्यू पे क्लिक करके, आप देखिए जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया, दो ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है साइट, आप देख रहे हैं कि यहाँ अननेम्ड साइट वन का ऑप्शन आ गया है, कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें से एक दफ़ा गो थ्रू हो चुके हैं, हम सिर्फ अभी इसको देखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने ये प्रोसीजर शुरू किया था,
ये क्योंकि ऑलरेडी प्रोसीजर हमने एक दफ़ा कर लिया है, इसलिए हम बजाय न्यू के एडिट में जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस प्रोसीजर को हमने दोबारा से करना है, आपको इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं और सिर्फ इसमें से एक दफ़ा गो थ्रू होना मकसद है, इसलिए आप इस प्रोसीजर को सिर्फ देखें, आगे चल के हम ये इसको दोबारा से करेंगे। एडिट में गए, अगर हम एडिट में ना जाते, पहली दफ़ा डिफाइन कर रहे होते तो यहाँ अननेम्ड साइट वन जैसे लिखा हुआ आया था, वहाँ अननेम्ड साइट वन लिखा होगा। इस सूरत हाल में हमने इसका नाम ऑलरेडी दे दिया है, स्टार्ट मेकिंग योर फर्स्ट साइट इसका नाम हमने दिया है। आपको ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक नेम योर साइट, क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी वेबसाइट जो आप बनाना चाह रहे हैं उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं। और ये ध्यान में रखें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके साइट के विजिटर के साथ, यानी जो आपकी साइट विजिट करेगा वो इस इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पाता, ये सिर्फ आपके अपने रेफरेंस के लिए होती है, इसलिए आप अपनी साइट के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ देंगे वो सिर्फ आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए है। नेक्स्ट किया, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू वॉन्ट टू वर्क विद अ सर्वर टेक्नोलॉजी सच एज कोल्ड फ्यूजन, ASP.NET, ASP, JSP और PHP, आगे क्वेश्चन मार्क है यानी सवालिया निशान है। तो इस वक्त हम ये एडवांस लेवल के इस प्रोसीजर में नहीं जाना चाहेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास यस सेलेक्ट हुआ हुआ है तो इसको आप नो कर दें, नो आई डू नॉट वांट टू यूज अ सर्वर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हाउ वुड यू वांट टू वर्क विद योर फाइल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आप अपनी फाइल्स के साथ डेवलपमेंट के दौरान किस तरीके से काम करना चाहेंगे, एडिट लोकल कॉपीज ऑन माई मशीन देन अपलोड टू सर्वर वेन रेडी, आगे आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में रिकमेंडेड लिखा हुआ है। और ये जहन में रखें कि अक्सर सॉफ्टवेयर के अंदर जहां ब्रैकेट में आपको रिकमेंडेड आगे लिखा हुआ नज़र आता है तो वो अमूमन वो ऑप्शंस होती हैं जिनको इस्तेमाल करना आम यूज़र्स के लिए आसान होता है और आम तौर पे लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास एडिट डायरेक्टली ऑन सर्वर यूजिंग लोकल नेटवर्क है, जाहिर है कि ये वो साइट्स हैं कि जो कि निस्बतन थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क फ्लो के अंदर बनी हुई होती हैं या इदारों की हैं या ऐसे हजरात उस पर काम कर रहे हैं कि जो निस्बतन एडवांस लेवल के अंदर काम करते हैं। तो हमने जो यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो ये पहली ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी साइट को हमेशा अपने कंप्यूटर के ऊपर एडिट करके फिर अपलोड करेंगे, और अमूमन इस तरह ही होता है कि हम अपनी साइट को अपने कंप्यूटर पर एडिट करके जो भी उसमें इंफॉर्मेशन हमने ऐड करनी होती है या कोई डिज़ाइन में तब्दीली करनी होती है वो करने के बाद अपलोड करते हैं। दूसरी सूरत में हम स्ट्रेट अवे सर्वर पे जाके इसको एडिट करते हैं, इस पर काम करते हैं, जाहिर है कि इस ऑप्शन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, जो रिकमेंडेड ऑप्शन है इसको हमने सेलेक्ट किया है। अगली ऑप्शन बहुत अहम है, बहुत ध्यान देंगे इसके ऊपर, बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना। यहाँ आपसे एक सवाल किया जा रहा है, वेयर ऑन योर कंप्यूटर डू यू वॉन्ट टू स्टोर योर फाइल्स, आगे सवालिया निशान है, यानी अपने कंप्यूटर पर किस जगह आप अपनी साइट को सेव करना चाहते हैं, इन साइट से मुताबिक जितने भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप किस जगह सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको माय डॉक्यूमेंट में माय फर्स्ट साइट ऑन DW यानी ड्रीमवेवर, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हैं रेफरेंस के लिए, आप एक नया फोल्डर है, इनफैक्ट ये आपको एक लोकेशन बता रहा है एक फोल्डर की जिसकी लोकेशन माय डॉक्यूमेंट में है, उस फोल्डर का नाम माय फर्स्ट साइट ऑन ड्रीमवेवर है, इसकी लोकेशन आप कोई भी रख सकते हैं, किसी भी ड्राइव पे रख सकते हैं, यानी सी ड्राइव पे है या डी ड्राइव पे है, कहीं भी हो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ एक अलग फोल्डर बनाया गया है इसके लिए, इससे ये होगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपका जो ओवरऑल साइट का स्ट्रक्चर है वो आप मैनेज कर पाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस फोल्डर के अंदर रहेगी, आपने इस फोल्डर को कहीं कॉपी करना है या इसका बैकअप आपने बनाना है तो आप आसानी के साथ इस फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। माई फर्स्ट साइट ऑन ड्रीमवेवर हमने फोल्डर बनाया था, आप हमने उसका एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, तो इसी तरह आप एक नया फोल्डर बना के किसी भी जगह बना लें और यहाँ उसकी लोकेशन को आप ब्राउज करके स्पेसिफाई कर दें, यानी उसको बता दें कि हमने किस जगह अपनी साइट को सेव करना है। नेक्स्ट, हाउ डू यू कनेक्ट टू योर रिमोट सर्वर, यानी जिस सर्वर पे आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है अपलोड करना है उसको आप किस तरीके से एक्सेस करना चाहेंगे, किस तरीके से उस तक पहुंचना चाहेंगे, उससे कनेक्ट होना चाहेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि नन सिलेक्ट हुआ हुआ है, नन अगर नहीं हुआ हुआ कोई भी ऑप्शन नीचे हुई भी है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अमूमन जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं वो F
टीपी की होती है, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस वक्त हम नन पे रखते हैं, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। हमने नन पे क्लिक किया, नेक्स्ट। अब आप देखिए, योर साइट हैज द फॉलोइंग सेटिंग्स, यानी जो आपकी साइट जो आपने अभी डिफाइन की है उसकी समरी ये, आप देख रहे हैं समरी लिखा हुआ है आपको। आपकी साइट की जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है, साइट नेम, स्टार्ट मेकिंग योर फर्स्ट साइट, लोकल रूट फोल्डर, यानी लोकल आपके हार्ड डिस्क के ऊपर जिसका फोल्डर है वो सी ड्राइव में है, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, माय डॉक्यूमेंट, माय फर्स्ट साइट ऑन DW। यहाँ आपको W पूरा नज़र नहीं आ रहा, ड्रीमवेवर जो हमने अभी फोल्डर पिछले ऑप्शन में कवर किया है। रिमोट इन्फो, जो रिमोट इन्फॉर्मेशन, एक्सेस आई एल सेट दिस अप लेटर, जहाँ हमने नन किया था, टेस्टिंग सर्वर, एक्सेस आई एल सेट दिस अप लेटर, कैन बी फर्दर कॉन्फिगर्ड यूजिंग द एडवांस टैब। ये वो इन्फॉर्मेशन है कि जो साइट की बुनियाद कायम करते हुए, साइट को बनाना शुरू करते हुए हमने डिफाइन करनी होती है। किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो इस लेक्चर को दोबारा से देखें और फिर आगे चलें। इसके बाद हमने डन जो आपको नज़र आ रहा है, यानी जैसे ओके की ऑप्शन होती है, यहाँ डन है, क्लिक कर दिया, ये साइट हमारी स्पेसिफाई होगी। इस प्रोसीजर को एक दफ़ा फिर देख लें और फिर आगे चल के हम इसको दोबारा से करेंगे, इंशाल्लाह किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।